कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्यपालों ने स्वेच्छा से अपने वेतन का 30% सरकारी कोष में दान देने का फैसला लिया है। इसके अलावा केंद्र ने एक अध्यादेश जारी कर अगले एक साल तक सभी सांसदों का 30% वेतन देश के संगठित फंड में दान देने का फैसला लिया है। यह अध्यादेश प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। इसके अलावा अगले 2 साल तक सांसदों को मिलने वाली सांसद निधि की धनराशि भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी देश के संगठित फंड में जमा होगी। सांसदों के सांसद निधि का पूरी रकम लगभग 7,900 करोड़ रुपए होती है 2 साल की, तो वो रकम कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी।